अबे वो क्लास वालों, आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, मेरे पापा को कोई परेशान मत करना। और फिर भी किसी ने मेरे पापा को परेशान किया ना, तो इलायची से पंगा लेने का अंजाम आप सबको पता है, बहुत भयंकर होगा। मिस्टर मुरारी बंसल, खड़े हो जाइए, मुर्गा बनिए। ये कमबख्त तो फिर से सीधी साधी औरत पे जुल्म कर रहा है। सिडनी कहाँ है? हाँ बेटा, सिडनी कहाँ पता नहीं, लेकिन किडनी कहाँ ये पता है। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। अब कौवा कहाँ है? कौवा ललित अंकल, क्या अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। अंकल जी तो आराम करो, जल्दी आओ। सुन महिला जी, मुझे शर्म आ रही है। बस मुझे शर्म क्यों आ रही है, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो। चलो ना अंदर, देखो कितने सारे लोग हैं। ओके, हेलो सेल्फी। हाय इलायची। हाय। हेलो इलायची। हाय रेनू। हाय, ये ओल्ड स्टूडेंट कौन है रेनू? ओह ललित अंकल, जैसे तुझे पता ही नहीं मेरे पापा हैं। तो यहाँ क्या ये लहंगे बेचने आए? मैं तुझसे कह रहा था ना, मैं इसलिए ना रहा था कि वहां ललित अंकल होगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। बात करनी है बेकार की। ओए मेरे पापा का मजाक मत उड़ा, समझा? अरे मैं क्या उड़ाऊंगा, वो तो ऑलरेडी उड़ा हुआ है। 70 साल का ओल्ड स्टूडेंट। अबे ओए ललित अंकल, मुझे कहने से पहले अपने गृहमान में झांक के देख ले। मुझे कह रहा 70 साल का, तू कितने साल का है बता। रिलैक्स करो ना पापा। और ओ ललित अंकल, मेरे पापा के बारे में नाप शनाप नहीं बोलना, मैं बता रही हूँ। पापा आप टेंशन मत लो, चलो आओ इधर बैठो। चलो अंदर पकड़ बैठो। रेनू तू क्यों बैठ रही है वहां पे, बैठना। नहीं वो इतने बड़े स्टूडेंट साथ बैठने में मुझे शर्म आती है। तू बैठ जा। पापा यार जो मतलब मेरे क्लासमेट है ना, मैं बहुत शरारती बदतमीज टाइप के, आप टेंशन मत लेना ठीक है। सवाल करो। करूं? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। सेठ जी आप सेठ मिस्टर मुरारी बंसल है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। क्या पक्का मुरारी लाल ही हो? आधार कार्ड दिखा दूं? शट अप, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहचान लिया है। दरअसल मैंने आपकी दुकान से मेरी वाइफ के लिए एक लहंगा खरीदा था। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात है। पहली बात तो वो लहंगा आपने बहुत ही घटिया क्वालिटी का दिया था। राइट सर, थैंक यू। और दूसरी बात, वो लहंगा आपने बहुत ही महंगा दिया था। राइट सर, थैंक यू। नहीं नहीं आप गलत करें, ये तो गलत बात है भाई। पूरे चांदनी चौक में हमारी दुकान से ज्यादा अच्छा क्वालिटी के लहंगे कहीं और मिल ही नहीं सकते। झूठ बोल रहे हो आप। नहीं सर, मेरी बीवी ने वो लहंगा सिर्फ एक बार पहना था, और उसके बाद जब वो धोया तो वो सिकुड़ कर इतना सा हो गया। राइट सर, थैंक यू। आपने वॉशिंग मशीन में धोया था? नहीं तो क्या कुकर में धोऊं? शट अप। मेरा कहने का मतलब है कि आपको बाल्टी में धोना था, उसमें थोड़ा नमक, उसके बाद वॉशिंग पाउडर। ओके, उसके बाद। पापा क्या कर रहे हो यार, आप तो यही पर मतलब क्लासरूम में लहंगे की दुकान खोलकर बैठे हुए हो। अरे मैं ना खोलने आऊं, ये खुद खोल रहे हैं। शट अप। मिस्टर मुरारी बंसल, खड़े हो जाइए। स्टैंड अप, मुर्गा बनिए। सर सो सॉरी, लेकिन पापा का आज पहला दिन, आप पहले दिन उन्हें मुर्गा बना रहे, क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, इन्होंने मुझे बहुत ही घटिया क्वालिटी का लहंगा दिया।
जिसके कारण मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। राइट सर। शट अप। ओह गुड कैच। आप मुर्गा बनिए, मुर्गा बनिए आप। सर देखिए, ये जो आप लहंगे के लिए पनिशमेंट दे रहे हैं वो आप क्लास में क्यों दे रहे हैं? अगर आपको लहंगे की पनिशमेंट देनी ही है तो आप इनकी दुकान में जाके दीजिए ना। और अगर फिर भी आपको पनिशमेंट देनी है तो फिर आप एक काम कीजिए, आप ना हमारे कोर्स में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए इनसे, और ये जवाब ना दे पाए तो बेशक पनिशमेंट दीजिए। ठीक है ठीक है। मिस्टर मुरारी बंसल, आप मुझे बताइए कि चांदनी चौक में ऐसे कितने प्रतिशत लहंगे वाले हैं जो आपकी तरह घटिया लहंगे बेचते हैं? बताइए बताइए अंकल, बड़ा आसान सवाल है, बताइए। देख रही है तू, एक क्लास ना चल रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, जलील कर रहा है था मुझे। बस शांत हो जाओ। अबे ओ क्लास वालों, आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, मेरे पापा को कोई परेशान मत करना। और फिर भी किसी ने मेरे पापा को परेशान किया ना, तो इलायची से पंगा लेने का अंजाम आप सबको पता है, बहुत भयंकर होगा। क्यों बे ललित अंकल? अंकल मत बोला करे यार, इट हर्ट्स, नहीं करेंगे परेशान। बैठो पापा। और बताओ इलायची के पापा, आज का पहला दिन स्कूल का कैसा रहा? लानत बना रहा होगा और कैसा रहा होगा। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं तो अपनी बकवास बंद कर दूंगा, लेकिन तुम भी अपनी हरकतों से बात आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा भैया। क्यों? तो मैं क्या हरकत किया मैंने? वे बात कर रहा, मैंने तेरी बहन छेड़ दी क्या? मेरी बहन को छेड़ दोगे ना तो चांदनी चौक पर रहने दूंगा, निकाल के लंबा करूंगा तुम्हें। अच्छा है? ले छेड़ दी, क्या कर लेगा आप? अब देख फिर छेड़ दी, अब क्या करेगा बोल। शर्म कर लो यार, जवान लड़की साथ में बैठ के खाना खा रही है। इलायची बेटा, तेरे पापा ना एकदम बेहया, बेशरम, लुच्चा, लफंगा, चोर, सारी चीजें जो कहो वो कम है इसको। तो आप भी कोई कम नहीं है। मैं? क्यों बातों पे ताने मार रहे हो पापा को? लेकिन बेटा मैं तो, अरे एक और शब्द नहीं है मामा। और पापा अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। अरे यार बहुत मेहनत करनी है आपको, किसी भी हाल में 11वीं में पास होके दिखाना है। और क्योंकि आज ना आपने कुछ मतलब ढंग का परफॉर्म नहीं किया, हर सवाल का गलत जवाब दिया ना उन्हें क्लास में, देख लो। मैं तो भागे फूट गए। अरे मम्मी यहाँ तक इन्हें ये तक नहीं पता कि हमारे इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट आखिर है कौन? बताओ। इतना आसान सवाल है, बताओ, भले आदमी को नहीं बता मिलने। अच्छा इतना आसान है तो फिर आप बता दो मामा। मैं? हाँ, जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत बढ़िया, पता है आपका आईक्यू लेवल भी ना बिल्कुल पापा भैया है, एकदम जीरो। अरे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तक इन्हें नहीं पता था। पापा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार आपको। एक काम करो, सोने से पहले मैं आपको एक घंटा और पढ़ाऊंगी, ठीक है? इलायची बेटा रात को तो सोने दे, मैं बहुत थक गया हूँ। कौन से पार तोड़ लिए आपने? देखो कोई बहाने में सुना, मेरा खाना खत्म हो चुका है, आप भी जल्दी से खत्म करो, चलो। अरे यार तूने फिर आलू बना दिया आज। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या साले? आज मैंने रतालू की सब्जी बनाई है। अबे पागल हो गया क्या, क्या बकवास कर रहा है तू? खा के देख पहले क्या बकवास कर रहा है। मैं क्या बेवकूफ हूँ, मुझे पता नहीं चलता क्या स्वाद किसका है। खा खा, मुंह बंद रख सब। सुनीता जी, क्यों मुंह बंद रखे वो अपना जीजा जी? हाँ क्यों, वो आपकी बीवी है, कोई गुलाम नहीं है आपकी, कहाँ चुप गया ये? नहीं वो हाँ झुमका मिल गया। हाँ झुमका ढूंढ रहे हैं। सुनीता जी चूहा जो है ना झुमका खींच ले गया अंदर, तो हम भाई ढूंढ रहे हैं। जी जी हम क्या कह रहे थे, क्या हो गया सुनीता जी, आप इतने गुस्से में? मैं हूँ गुस्से में जीजा जी, मुझे बड़ी जोर से गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्यों? आप पूछ रहे हो जीजा जी, ये आप जैसा आदमी ना अपनी बीवी के साथ रोज लड़ाई करता है, रोज उनको टॉर्चर करते हो आप तो ना मत ही पूछो। सुनीता जी इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो क्या बकवास कर रहा है आप?
हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या बकवास कर रही हो बुबू? वो ना बकवास नहीं कर रही आपकी बुबू, वो सच बोल रही है। जीजा जी, आपने हम लड़कियों को समझा क्या हुआ है? हा? आपको हम कमजोर लगती हैं? नहीं सुनीता जी, हमने आज तक कभी किसी औरत को कमजोर नहीं समझा। तो फिर आप पिंटू भाभी को क्या समझते हो? पिंटू तो औरत ही नहीं है। ओह, हमारा मतलब ये है कि पिंटू भी तो औरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। जीजा जी, जो भी है, मेरी ना एक बात आज आप कान खोल कर सुन लो। आज की बात, अगर आपने पिंटू भाभी के साथ लड़ाई किया, उन्हें टॉर्चर किया, तो मुझसे बुरा ना दुनिया में कोई नहीं होगा, बाय गॉड। जी 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 सुनीता जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अगर हमने ऐसा किया तो आप हमें खुद अपने हाथों से गोली मार सकती हैं। अच्छा, वो सुनीता जी, वो इलायची जी नहीं दिख रही कहीं? दिखेगी कैसे, वो अंकल जी को पढ़ाई करा रही हो। ओह हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, हमें जाके इलायची जी को मनाना ही होगा। बस हो गया, कितनी देर से याद कर रहे हो? ठीक है, अब मैं सवाल पूछूंगी और पहला सवाल है हिंदी से, ठीक है? तो फिर ये बताइए कि महाभारत के रचयिता यानी कि क्रिएटर कौन थे? महाभारत के रचयिता, एक मिनट रुक जा। सोचो सोचो सोचो। अरे हाँ हाँ हाँ, याद, देख मुझे याद है। हाँ, रुक जा, टाइम खत्म हो गया पापा। अरे रुक रुक, हाँ हाँ, महाभारत के रचयिता वो थे, कुछ चोपड़ा साहब थे कोई। पापा, मैं टीवी की महाभारत की बात नहीं कर रही हूँ यार, मैं महाभारत ग्रंथ की बात कर रही हूँ, और हिंदी तुम्हारी मातृभाषा, इसमें भी वंटा धार है यार, कुछ नहीं हो सकता आपका। अरे माँ बाप ने कभी कॉमिक्स तक पढ़ने ना दी, तू कह रही है महाभारत पढ़ लेते, कैसे पढ़ लेता मैं? हाँ तो कोर्स की किताबें भी तो नहीं पढ़ी, वही पढ़ लेते। कहाँ से पढ़ लेता? अब तो अच्छा सुन, अगर मैंने पढ़ी भी है तो तू सोच कितने साल हो गए मुझे पढ़े हुए हैं, तुझे ये ना पता लग रहा है? महाभारत ग्रंथ श्री व्यास मुनि ने लिखा था, याद रखना भी है। अच्छा ठीक ठीक, चलो अगला सवाल। हाँ, ताजमहल किसने बनवाया था? हाँ, ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। वेरी गुड पापा यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब ना ये अपने दिल्ली में जो कुतुब बना रहे ना, वो बताओ किसने बनवाया? अरे बनवाया होगा किसी ने, बनवाया, मुझे क्या लेना देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका आंसर यही लिखोगे क्या? किसी से पूछ लूंगा। चीटिंग, चीटिंग करोगे? मतलब बच्चों को ये सिखा रहे हो चीटिंग करना? तो तू ही बता दे। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, याद रखना। अरे यार, ये सेठ जी तो यहां पर भी बैठे हुए हैं, क्या करें? सेठ जी प्रणाम। अगला सवाल ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से। सर क्यों आया तू यहाँ पे? सेठ जी वो हम बस खाना खा के ऐसे ही टहलने निकले थे। टहलने की जगह लग रही है तुझे, बात कर रहे हैं बेकार की। नहीं नहीं, हमने ऐसा सोचा कि आपके दर्शन कर ले। अच्छा दर्शन कर ले, तो एक काम कर, मेरी फोटो खिंचा और अपने बटुए में रख ले, दर्शन होते रहेंगे। सेठ जी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना। ओके नो प्रॉब्लम। पापा आपका अगला सवाल है कि सिडनी कहाँ है? सिडनी, हाँ बेटा सिडनी कहाँ पता नहीं, लेकिन किडनी कहाँ ये पता है। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, अब हर बात का उल्टा जवाब। अगर आपने मेरे हर सवाल का सही जवाब नहीं दिया ना पापा, तो यही पे बैठाऊंगी आपको पूरी रात। रुक जा एक मिनट, सिडनी 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 कहाँ है? सिडनी, हाँ हाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। आप बिल्कुल करेक्ट सेठ जी। अरे यार तू जा यहाँ से, डिस्टर्ब करने आ गया बेकार में मुझे। जी सेठ जी। कौवा है? कहाँ है कौवा? पापा ये 13th चैप्टर पढ़िए, उसमें से तीन सवाल पूछूंगी, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है? ये है।
मेरे क्यूट पापा। देखा दीदी? हाँ। कैसा पंचमा गुस्से में लुटिया को पटक पटक करके ऊपर निकल गया, देखा तूने? इसका मतलब है कि ये पंचम आज रात को भी पिंटू को पीटेगा। मैं भी जीजा का बुला के ला रहा हूँ। नहीं 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 रुको, अरे वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो तू क्या चाह रही है? अभी तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ ऊपर और जाके देखो कि पंचम जो है कद्दू को, मेरा मतलब है कि पिंटू को पीट तो नहीं रहा है, और अगर पीट रहा है तो तुम जल्दी से आके मुझे बता देना। एहसान फरामोश साले, तुझे दिल्ली लेकर आया मैं, वरना ना गांव के नौटंकियों में ढोल पीट रहा होता, समझा? चूजे पीट रहा होता, इसमें कोई शक ना, वहां ढोल पीट रहा होता लेकिन पैसे भी कमा रहा होता। दिल्ली ले आया? अबे दिल्ली में लाके कौन सा तूने दिल्ली का तख्त मेरे नाम कर दिया, औरत बना के रख दिया साले कौए। बात इलायची जी के काबिल ही नहीं है तरबूज की शक्ल के। क्या बोला बे? साले मैं इलायची जी के काबिल नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ। हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोल सॉरी। नहीं बोलूं। सॉरी बोल, आखिरी मौका दे रहा हूँ, सॉरी बोल वरना बहुत मारूंगा पिंटू। नहीं बोलूंगा, ना बोलूंगा, ना बोलूंगा। ये कमबख्त तो फिर से सीधी साधी औरत पे जुल्म कर रहा है, छटंकी पानी सर से ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बताता हूँ मैं तुम्हें बेटा अच्छे तरीके से, अभी बताऊंगा मैं। धीरे, इलायची के पापा पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे जीजी तेरे भैया के चोट लग गई, इसकी चिंता नहीं हो रही है, वो जीजा मिडिल पास करने वाला, उसके बारे में चिंता हो रही है। हाँ तो गलती भी तो तुम्हारी है ना, क्या जरूरत थी इतनी हड़बड़ी में उतरने की? अरे हाथ तो दे कम से कम, मुझे उठा तो, अरे तकलीफ हो रही है भैया। अरे उठा उठा उठा, अरे दे बड़े जोर की चोट लग गई भैया, अरे मर गया भैया। अरे मैं तो हड़बड़ी में इसलिए आ रहा था, उस मासूम की चिंता हो रही थी मुझे बहुत जोर की। मैं अभी पिंकी दरोगा को फोन लगाती हूँ, वही आकर के ना इस पंचम के हड्डी पसले ढीले करेंगे। लगा ले भैया, हम क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लगा भैया, किसी को फोन लगा। कौन है? हाँ, सेठानी जी इस वक्त क्यों फोन कर रही है? वो लगता है सेठ जी से झगड़ा हुआ होगा जरूर। एक मिनट, हेलो पिंकी जी बोल रहे हैं? हाँ दरोगा जी, सुनिए आप फोन हमारे घर पे आ जाइए। क्यों सेठानी जी, आपके यहाँ डकैती बड़ी है क्या? नहीं नहीं, हमारे घर में वो जो नौकर है ना पंचम। हाँ हाँ, क्या किया उसने? अरे वो अपनी बीवी को मार रहा है। हाँ तो सेठानी जी, जब वो अपनी बीवी को मार दिया तो मारने दो ना उसको। तो क्या है ना मियाँ बीवी में ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता ही रहता है। देखिए कभी बीवी मियाँ को धोती है तो कभी मियाँ बीवी को धोता है। पिंकी जी के यहाँ ना मामला पूरा उल्टा हो रखा है, यहाँ सिर्फ बीवी पिंकी जी को धोती है, पिंकी जी तो सिर्फ धुलते हैं बस। अरे कैसे फालतू की बातें कर रहे हैं दरोगा जी, आप जल्दी से आते क्यों नहीं है? सेठानी जी ना माफ कर दो, आप पिंकी जी ना आ सकते इस वक्त, आपको पता कल पिंकी जी को विज्ञान पे सवाल पूछे जाएंगे और पिंकी जी को कुछ भी नहीं आता है। आप रखो फोन, रखो, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा जी, दरोगा जी। Hmm.
बच गए। ऐसा क्या कह रही है जो तू रो रही है? चटंकी भैया, ये पिंकी दरोगा ना एक नंबर का फालतू आदमी है, किसी काम का नहीं है। कुछ ना कर पाएगा ये फालतू आदमी, बचपन से दिल्ली में रह, क्यों रह रहा है भाई? हम तो क्यों रह रहा है, रहने तो कोई फायदा है बता, दिल्ली में रह रहा है। चटंकी भैया, अब ना हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तू ही कर, मैं दोनों मिलकर करते हैं। सोच में जरा क्या करना है आदमी का।